हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक क्रेडिट। तो दोस्तों, आज हम लोगों के पास है मोटो G23 5G। आज यहाँ पे हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और एक छोटा सा रिव्यू देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से है दोस्तों। बॉक्स देख सकते हैं बैक साइड से कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा पिक्सल टेक्नोलॉजी वाला कैमरा है। साथ ही साथ दोनों साइड यहाँ पे आपको सील देखने को मिल जाता है। तो कोई भी ऑनलाइन मोबाइल अगर आप मंगाते हैं तो ये सील ज़रूर चेक करें। यहाँ पे आपको 5G देखने को मिल जाता है। इसके साथ 120 हर्ज डिस्प्ले है और डॉल्बी एटमस साउंड भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस मोबाइल में। इसके साथ यहाँ पे साइड देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया के लिए बना हुआ है और इसमें सिर्फ इंडियन सिम कार्ड ही यूज कर सकते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। मोटो का यहाँ पे ब्रांडिंग है और आगे का आपने देख ही लिया, मोटो G73। ऊपर की तरफ हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ऊपर भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक जितना भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन साइज आपको 16.5 cm का है। और ये इसके अलावा आप देख सकते हैं एक नंबर है, यानी एक मोबाइल है यहाँ पे, और ये इसका मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको पैक में एक मोबाइल चार्जर, एक मोबाइल फ़ोन, एक चार्जर, एक USB-C और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल, प्रोटेक्टिव केस, क्विक स्टार्ट गाइड, ये सब देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज क्या लगेगा, लिमिट देख सकते हैं 5000 mAh की बैटरी भी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों MRP भी देख सकते हैं, जो कि 22,000 है। और 22,000 ऑनलाइन में आपको उतना में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आपको 18-19 हज़ार में ही मिल जाएगा। अब दूसरे साइड देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। कलर देख सकते हैं लूसेंट वाइट है और मॉडल 8+128 GB है। तो ये दूसरे साइड है, IMEI यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं डिजाइंड बाय मोटरोला मोबिलिटी, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया गया है। स्कैन करके यहाँ पे दोस्तों आपको एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिससे कि स्कैन करके जो भी हेल्प है या सपोर्ट है वो आप मोटरोला का हेल्प सपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चलिए यहाँ पे बॉक्स ओपन करते हैं। जैसे बॉक्स ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगा। पूरा एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, ओवरव्यू आप देखिए। साथ ही साथ दोस्तों ये प्लास्टिक रैपिंग है मोबाइल के ऊपर, और मोबाइल के ये हटाने के बाद ही आपको मोबाइल देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे दोस्तों आप मोबाइल देख सकते हैं। मोबाइल हालांकि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन फिर से मैंने आपको दिखाने के लिए पैक कर दिया है। यहाँ पे मैंने टेम्पर्ड ग्लास भी लगा रखा है मोबाइल पे, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मोबाइल आपको देखने को मिल जाएगा। ये पैकिंग कुछ इसी तरह से हुआ था, इसमें जो भी कवर था वो लगा हुआ था, व्हाइट कलर का जो भी कवर था वो लगा हुआ था इसमें। तो दोस्तों फ्रंट देख लिया आपने, अब बैक साइड देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। बैक साइड में दो कैमरा आपको देखने को मिल जाता है और एक फ्लैश देखने को मिल जाता है। लूसेंट वाइट कलर है ये मोटरोला का। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार कैसा कैमरा है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा पिक्सल वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर 1.8 है। तो देख सकते हैं अच्छा फोटो आने वाला है इससे, और मोटो का लोगो भी पीछे आपको देखने को मिल जाता है। इस पर अभी हालांकि कवर चढ़ा हुआ है, मैं बिना कवर का भी एक बार आपको फ़ोन ज़रूर दिखाऊंगा। इसके अलावा चलिए दोस्तों पहले पैकिंग देख लेते हैं। तो बॉक्स में आपको ये सब देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा जैसे ही हम और नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको एक डेटा केबल और यहाँ पे चार्जर देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों डेटा केबल देख लेते हैं। यहाँ पे Type-C to C यहाँ पे चार्जर देखने को मिल जाता है। एक बार मैं आपको पूरा खोल के भी दिखा देने वाला हूँ। तो दोस्तों 30 वाट का यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। मोटरोला इसे टर्बो चार्जर बोलता है, और ख़ास बात यह है दोस्तों इस चार्जर की दोनों साइड आपको Type-C ही पोर्ट देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों आगे यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका ब्रिक है ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से यहाँ पे 30 लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे प्रिकॉशन इन्फॉर्मेशन और मोटो का लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, कितना वाट, क्या चार्जर है, ये सब यहाँ पे आपको ब्रिक के सामने देख सकते हैं। AC पावर सप्लाई वगैरह
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप जो बॉक्स देख सकते हैं, इसमें आपको यूजर गाइड देखने को मिल जाता है जो कि एक पतला सा बुकलेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटो का ब्रांडिंग है और इसमें दो चार पेज इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको आप यूज कर सकते हैं। कुछ भी आपको दिक्कत होता है मोबाइल के लिए तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और छोटा सा केस देख सकते हैं और ये है आपका दोस्तों सिम इजेक्टर टूल, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो ये अलग ही डिज़ाइन है। और इसके अलावा एक और छोटा सा यहाँ पे आपको बुकलेट या इन्फॉर्मेशन जो भी बोल लें वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मोबाइल में क्या है कैसे है सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। NFC पावर बटन और ये वगैरह सब यहाँ पे आपको एक बुकलेट में देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों इस बॉक्स को हटाते हैं और यहाँ पे जो आपको कवर देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। रबर का बना क्वालिटी है और जो मोबाइल है बिना कवर का आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे जो भी है बैक साइड देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट साइड भी आप एक बार देखेंगे तो दोस्तों फ्रंट कुछ इस तरह से है। ऊपर आपको सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो बैक साइड देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको चार्जर 3.5 mm जैक और स्पीकर देखने को मिलता है। बगल में आपको वॉल्यूम अप डाउन और पावर बटन देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपको फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है। ऊपर की तरफ एक यहाँ पे आपको माइक देखने को मिल जाता है जो कि नॉइज़ कैंसिलेशन का भी काम करता है। और साइड में आपको यहाँ पे सिम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मोबाइल यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों ओपन करने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इसका लोगो आ जाता है। कुछ इस तरह से नीचे अभी आप देख सकते हैं पावर्ड बाई थिंकशील्ड आ चुका है और यहाँ लोगो कुछ देख सकते हैं मज़ेदार बनाने की पूरी कोशिश की गई है। और यहाँ पे मोबाइल अभी ओपन हो रहा है तो दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है मोबाइल ओपन होने में। तो दोस्तों मोबाइल ओपन हो चुका है कुछ देर बाद और यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस जो भी है यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। बीच में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, पीछे आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी इंटरफेस आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल रखा गया है इंटरफेस। साथ ही साथ आपको जो भी यहाँ पे बहुत सारे प्री लोडेड एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है जैसे कि फैमिली स्पेस, डॉल्बी एटमस और मोटरोला नोटिफिकेशन, मोटो सिक्योर, कुछ इस तरह के मोटरोला के प्री लोडेड एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नोटिफिकेशन वाल कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे सारे एप्लीकेशन देख सकते हैं, Android 13 चल रहा है यहाँ पे और मैं अभी आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ कौन सा एंड्रॉयड चल रहा है। नीचे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है सेटिंग के साथ, अब पावर भी बटन आ गया है। सेटिंग में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, Moto G73 5G। और यहाँ पे मैं आपको एंड्रॉयड वर्जन दिखा देता हूँ तो एंड्रॉयड वर्जन आप देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे 13 देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों मैं अभी आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन भी दिखा देता हूँ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अबाउट सेक्शन में ही देखने को मिल जाएगा। तो हार्डवेयर इंफॉर्मेशन में दोस्तों आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 8 GB का रैम देखने को मिल जाएगा और 128 GB का इंटरनल मेमोरी, 2400x1080 पिक्सल का यहाँ पे आपको डिस्प्ले, 16 MP का फ्रंट कैमरा, 50+8 MP का बैक और यहाँ पे NFC देखने को मिल जाता है, डुअल सिम भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों सेटिंग में कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी तक दोस्तों मोबाइल बहुत ही फ्रेश चल रहा है और हैंग वैंग करने का कोई इश्यू नहीं।